खंडवा में स्वीकृत सड़कों के स्थान पर नगर निगम द्वारा पेच वर्क कराया जा रहा है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों पर पेच वर्क का युवक कांग्रेस ने विरोध किया है। जिला अध्यक्ष अंकित पाठक ने बताया कि खंडवा शहर में जगह जगह जो पेच वर्क किए जा रहे हैं, उनके स्थान पर जहां टेंडर या निविदा जारी किए जा चुके हैं, उन वार्डों में पेच वर्क समझ से परे है। आने वाले समय में रामेश्वर वार्ड, आनंद नगर वार्ड में जहां डामरीकरण होना है, वहां पेच वर्क किया जा रहा है, जो शहर की जनता के साथ धोखा है। निगम तत्काल प्रभाव से तय समय में डामरीकरण कर शहर की जनता को सहूलियत प्रदान करे, अन्यथा युवक कांग्रेस आने वाले समय में सड़क पर मोर्चा खोल निगम का घेराव करेगा। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। शहर में जहां जिन सड़कों पर सड़क निर्माण और डामरीकरण के लिए निविदा जारी की गई है, टेंडर हो चुके हैं और एक तय समय सीमा पर जो है सड़क निर्माण होना है, परंतु आज हम देख रहे हैं कि कल हमने देखा रामेश्वरवाड़ और आनंद नगर में इन लोगों ने पेचवर्क चालू कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आज शहर में जिन जगहों पर गड्ढे हैं वहाँ सड़क निर्माण के लिए निविदा जारी हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, तो सड़क निर्माण करना चाहिए, लेकिन ये सड़क निर्माण ना करते हुए पेचवर्क कर रहे हैं। जहाँ 45 लाख का टेंडर है वहाँ 5 लाख में काम खत्म कर रहे हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, नगर निगम जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से खंडवा में चली है, उस नगर निगम को ये चेतावनी है यूथ कांग्रेस के द्वारा आज कि इस तरह से अब नगर निगम नहीं चलेगी। जब आपका महापौर नहीं है, आपका निगम अध्यक्ष नहीं है, तो सरकारी अधिकारी को यहाँ पर जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जनता की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आए दिन सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, गड्ढों पर बच्चे गिर रहे हैं, कई बच्चों की मौतें हो रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा चिड़िया मैदान पर 2 लोगों का हादसा हो गया, सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई। तो ऐसी इस तरह की कार्रवाई नहीं चलेगी। युवक कांग्रेस ने आज जो है ज्ञापन दिया है माननीय आयुक्त महोदय भट्ट साहब को, और ये कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप व्यवस्थाएं सुधारते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में यूथ कांग्रेस बहुत ही प्रचंड रूप से आपकी नगर निगम का घेराव भी करेगा और सड़कों पर हल्ला भी बोलेगा। रिपेयरिंग वर्क किया जा रहा है, इसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो तब लगाने के लिए जब एक ही कार्य का 2 बार होता है। इसमें तो अभी चूँकि टेंडर हम लोगों ने लगाए हैं, और टेंडर होने के बाद उसमें लोग टेंडर डालते हैं नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग का अनुभव रहा है पिछले 2 बार से किसी ने टेंडर भी नहीं डाला है, इसलिए हम लोगों द्वारा पेच वर्क का काम कराया जा रहा है। और जिस काम का भुगतान हम लोग कर देंगे उस मामले में बिल्कुल आप लोग निष्पक्षता से कभी भी सूचना के अधिकार में या वैसे भी मैं सारे आपको दस्तावेज देने के लिए तैयार हूँ, कभी भी आप लोग देख लीजिएगा। एक काम का द्वारा भुगतान नहीं होगा, इसकी मैं मेरी गारंटी। आपको जैसे पता होगा कि टेंडर अभी हम लोगों ने कई बार 2-3 बार टेंडर भी लगाए थे निर्माण कार्यों में, हम लोगों के पास टेंडर नहीं आ रहे हैं। इवन रिपेयरिंग वर्क का हम लोग का 3rd बार में टेंडर प्राप्त हुआ है, और चूंकि अब थोड़े समय में आचार संहिता भी लगने वाली है, ऐसी स्थिति में 2 महीने तक कार्य नहीं हो पाएंगे। तो रिपेयरिंग वर्क इसीलिए कराया जा रहा है कि कम से कम चुनाव इत्यादि में और उसके बाद भी 2-3 महीने तक का गैप में लोगों को परेशानी ना हो। वार्ड में समस्याओं को लेकर पार्षद आए थे, उनका क्या कहना था और क्या उनकी समस्या है? अब उनके यहाँ छोटी छोटी कोई गलियाँ सिक्योरिटी रूम भी एक उनका कोई उन्होंने डामर के कार्य की बात की, डामर के काम में जिस ठेकेदार ने लिया था काम, वो काम करने के लिए तैयार नहीं था। हम लोगों ने राशि भी उसकी रास्ता की है और पुनः उसमें निविदा लगाई जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।